भाई क्या कर रही हो? छत पे कंडा लेवा। आराम से जाइए भाई, यहीं गिर मत जाइए। पैसा देखा नहीं है, कमा होगा। हाँ भाई, कंडा के पीछे बहुत परेशान रहे भे। पानी गिरे तो ढांकवा जावे और धूप निकल गया तो उघाड़वा जावे, फिर भी कितना सारा कंडा भाई का खराब हुआ है जी। हाँ जी, जला हुआ का ठीक है। नेवल आ जावे भाई ऊपर, पता है नेवल खावे जी। भाई कह रही है किस नेवल होगा तीसरा, गांव में जो गाली दी जावे तीसरा की। गुड़िया होती तो भाई तेरे का न जाती और कंडा उठाती। हुआ रहा थी नहीं तो कब आ रही है? आज जागी नहीं, वह तो खेलेगी तो आपका बच्चा हुआ का जान है ज्यादा जाने अपना सपना। हाँ तो खेले। तो भाई डंडू मेरी ड्यूटी छूटूंगा इतनी दे आ ही जाएगा। हाँ अब मैं जाऊँ जल्दी से नहा के, नहीं पूजा कर लूँ। जा रहा भाई है, मैं पूजा कर लूँ। हाँ जा रहा भाई, मैं नहा लूँ और पूजा कर लूँ। है बोरी घीस लूँ तो भर के रख ले, मैं आ रहा हूँ फिर। है फिर ले चलूँ नीचे, कंडा बोरी भले ही लेके आना पड़ा, जा रहा हूँ। अरे उठवा दे रहा हूँ मैं। आई जा कहाँ रखनो, अबे सिंह लगा गई और कहूगा तो भाई अभी तपलन दे तो डुंडू टाइम आकर रख दे। तो मैं तो बोरी भर के रख दी, उठा ले जाऊंगा मैं तो। अबे सूख जाएगा धूप में इनको। गिर जाएगी डली माता बोली क्या गुत्ती ऊपर से। तो भाई काम ऐसा करे सही में, मैं बोरी भी ले आऊंगा डलिया मुझे। चला ला दे भाई, तुझ नहीं बने लिया आते सही में। ऐसा हम गिर जाएगी भाई, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। आओ भाई ले, मैं आराम सही है भाई। तू खा रखू जक्का है कंडा खा रख क्या हूँ हो भाई, आराम से आ जाए। कभी कह रहा आगे देख के नहीं। हो भाई भी चूल्हा कन रखता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और दोस्तों देखिए, आज कान्हा जी के लिए कनेर के पीले फूल अर्पित किए मैंने, और कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर, इतने सुंदर लग रहे हैं कि इनकी छवि जो है वो देखते रहो। तो आज तो कान्हा जी के लिए मैं मिश्री का भोग है मेरे पास और जल है। तो कान्हा जी आप इस मिश्री को भोग को प्रभु जी स्वीकार कीजिए, लीजिए। जय श्री कृष्ण। और हरी 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 जब दिख रही है तुलसी मैया की पत्ती है, और तुलसी मैया जब तक पत्ती ना मिले तो कान्हा जी कहते हैं भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो स्वीकार कीजिए प्रभु, ये जल पीजिए प्रभु, तुलसी दल है। कान्हा जी के लिए हर चीज में तुलसी पत्ती होना बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्ण। और कान्हा जी का सुबह का ये हो गया है, बहुत दौड़ लगाती हुई जा रही है। देखिए देखिए कितनी भागती हुई जा रही है ये गौ माता, पता नहीं क्यों भाग रही है। इसके साथ ही निकल गए शायद आगे, इसलिए भागती जा रही है। तेरे मरने के
बाद में सुन तेरे ये घर वाले, दो गज कफन उठा के तुझको, दो गज कफन उठा कर तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा वो रख बंदे। क्या है रे जग में तेरा वो मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। कल शाम के बाबा जी मिले थे तो उन्होंने बोला नीम के वृक्ष लगाने का, तो देखिए नर्मदा प्रकम मार में ये नीम के वृक्ष हैं और जगह जगह है, और नीम के वृक्ष की बहुत ही मीठी छांव होती है। नीम के वृक्ष की पत्ती कड़ी रहती, फल कड़ा रहता, लेकिन इसकी छांव बहुत ही मीठी रहती है, और गर्मियों में तो बहुत ही मीठी छांव लगती है इसकी, क्योंकि धूप में कहीं अगर नीम का झाड़ मिल जाए और उसके नीचे बैठने से बहुत सुकून मिलता है और प्यास भी कम हो जाती है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग में जगह जगह नीम के वृक्ष लगे हुए, सामने भी लगा हुआ देखी, और बहुत अच्छी इसकी छांव है जहाँ पर बाबा लोग आकर बैठ जाते हैं। नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी कौन से जिले से आए रहे? हम देवास जिले से हैं, कन्नौज तहसील से। कन्नौज तहसील से। और हमने 27 दिसंबर की परिक्रमा उठाई जी, हमको 4 महीने हो गए, और ये मान के चलो 3300 किलोमीटर माँ नर्मदा मैया की कृपा है। आप तभी मान लिया मैया सब परिवार पे कृपा बनाए रखे। यात्रा हमारी पैदल यात्रा है जी बाबा। और मैं कन्नौज तहसील ग्राम भिलाई का हूँ, निवासी ब्राह्मण परिवार से हूँ जी। हड़िया से मैंने परिक्रमा उठाई 27 दिसंबर को, और मैं 3400 किलोमीटर के आसपास चल लिया। मैया की कृपा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे हर नर्मदे तो हर नर्मदे। बाबा जी आप लोग मतलब दो ही मूर्ति है? हाँ, पहले 5 थे हम जी, उनकी एक की वो महाराजपुर संगम हाट पे उनकी पूरी हो गई, मंडला जिले के थे जी। एक बाबा और सागर के थे, उनकी बरमान में पूरी हो गई जी। और हम दो मूर्ति बची है जो हमको हंडिया ओंकारेश्वर जाना है जी। तो बाबा जी आप पूरी परिक्रमा में आपसे सबसे अद्भुत क्या लगा बताइए ना। मैंने मैया के दर्शन अद्भुत लगा, हमको मैया का दर्शन भी हुआ, साधु संत के दर्शन हुए, और मैया की बहुत विशेष हमारे कृपा रही जो हम 3400 किलोमीटर पद यात्रा हमारी मैया। आपकी उम्र क्या बाबा जी? मेरी उम्र 60 वर्ष। 60 वर्ष है। हाँ बाबा जी, ये तो मैया कृपा ही है कि 60 वर्ष में एक व्यक्ति और पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। आपके पैरों में कोई छाला वगैरह कुछ भी नहीं आया? दर्द है आज तक, मैंने 4 महीने में एक सर दर्द की गोली भी नहीं ली ना। मेरे को शुगर की बीमारी थी, मैं हमेशा घर गोली लेता था। जब से 27 दिसंबर से परिक्रमा उठाई, मैंने आज तक शुगर की गोली नहीं ली, और मैंने 3-4 बार जांच भी करवाई, शुगर बिल्कुल नॉर्मल नहीं मेरे आज तक ना बढ़ी हुई, मेरे आज तक कोई परेशानी नहीं सब मैया जी। तो बाबा जी मीठा खाते हैं आप? मीठा भी खाता हूँ। खाते हैं मीठा? खाता हूँ, सब खाता हूँ। हाँ। जलेबी खाता हूँ, गुलाब जामुन खाता हूँ, रसगुल्ले। ना तो शुगर बढ़ती है ना घटती है, लेकिन में रहती वो सब मैया की कृपा। मैया का जल लेता हूँ बस जी। तो वो मैया का जल तो बाबा जी सब इलाजों का एक इलाज है। इलाज है सब दवाई, 100 दवाई की एक दवाई मैया, एक दवाई मैया की है बस। और मैया तो प्रभु जी साक्षात माँ तो है ये। हम मैया का हमने सुल्तान की झाड़ी में दर्शन भी किया, 13 रोज लगे हमको सुल्तान की झाड़ी में। कैसे बाबा जी थोड़ा बताइए ना। वो 300 किलोमीटर की सुल्तान की झाड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी बहुत ऊंची पहाड़ी है जी। और उसमें मकान वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये अपने आदिवासी भील मामा की टापरी वगैरह रहती है, वही भोजन वगैरह जो उनके पास रहता है, खाने पीने का सामान जी, मक्का की रोटी है, राबड़ी है, चावल है, जो भी हमको मिलता मैया का प्रसाद बहुत भाव से ग्रहण करते हैं, और बहुत आनंद आए प्रभु जी पर। तो बाबा जी फूल पान की झाड़ी में 13 दिन कैसे लगे? 13 दिन पहाड़ी है, चढ़ना उतरना और जंगल एरिया है, वो 300 किलोमीटर चलना पड़ता है वहाँ पे। हाँ जी, 300 किलोमीटर का घना एरिया, जंगल है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां है, बड़ा बड़ा खोईरा भी है। तो बाबा जी बहुत सियानी सियानी मूर्ति माता आ जाती है, कैसे चलती होगी उस पे? बस चलती है माता जी, कोई 3 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, और जहाँ एक दो टापरी है आदिवासी महिला और की मिलती है वहाँ विश्राम करते है, और जो मैया के पास है वो मैया और खिलाती है। पहले तो बताते थे कि ये चोरी करते थे, लूटते थे, अब ऐसी कोई बात नहीं है, शासन के द्वारा, शासन के माध्यम से सब इनकी सुविधा दी गई, इसलिए उनने ये काम छोड़ दिया, अब तो सेवा करते हैं जी। तो जैसे आपके पास फूलपान की झाड़ी में भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो आपको भोजन मिलता है वहाँ पे? भोजन मिलता हमको मैया और
तेजकी में भर के सामान लाती, मक्का की रोटी है, राबड़ी है। हमको मैया ने 13 रोज सुल्तान झाड़ी में हमको एक रोज मैया ने भूखा नहीं रखा जी। और एक महात्मा जी ने आके हमको स्टील का एक इतना बड़ा कटोरा भर के लाए जी। उनने हमको घी के मोती चूर के इतने इतने बड़े लड्डू जी 5-5 लड्डू खिलाए। और वो घना जंगल था, कहाँ से आए। एक मैया ने हमको दर्शन दिया जी और हमको आशीर्वाद भी दिया। उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आई। और फिर हम रास्ता चूक रहे थे, जो उनने रास्ता भी ऊंचा हाथ करके बताया कि आप ये रास्ते से निकलो। 80-90 वर्ष की माता राम थी जी। और वहाँ सुल्तान की झाड़ी में कहाँ से आई होंगी फिर वो, है ना। अब वो ना वहाँ कोई मकान ना कोई कुछ भी नहीं, घना पहाड़। और मतलब इतनी खतरनाक चढ़ाई है कि कहीं तो इतनी सी पगडंडी, कहीं इतनी सी, अगर पैर का बैलेंस बिगड़ गया तो 1000 फीट आदमी का पता ही नहीं चले जी। ऐसी ऐसी वो सुल्तान की झाड़ी पहाड़ी पहाड़ का एरिया है। चढ़ाई बहुत कठिन चढ़ाई है। हमने क्या, ये हमारे पास सामान भी बंधा हुआ रहता था, बिस्तर वगैरह, तो हम हाथ टेक टेक के भी वो पहाड़ी चढ़े हम जी। हाँ बाबा जी, मैं समझ सकता हूँ कि कितनी कठिन चढ़ाई होगी वो। हाँ, और मैया की कृपा से तो सारे कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं भैया। और हम मांडवगढ़ से जी, एक सीतावन की झाड़ी आती है 3 किलोमीटर की जी। मांडव से सीधा निकलना पड़ता है, हाईवे जो रोड है वो 25-30 किलोमीटर का चक्कर है। वो 3 किलोमीटर चलने से वो 25 किलोमीटर बचता है जी। तो वो भी बहुत खतरनाक, ऐसी नापू उसमें रास्ता, और इतना भयंकर पहाड़ है वो, तो मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। वो तो हम कैसे बच गए भैया ने, कैसे बचाए वो भैया। और सारे परकमवासी बाबा वहीं से जाते हैं। हाँ, कई जो ज्यादा वृद्ध है वो फिर वो हाईवे से आते हैं मांडवगढ़ से, पैदल चल के, वाहन से, कैसे भी। हाँ, कैसे भी आते हैं वो जी। और हमने तो प्रभु जी पूरी परिक्रमा 3400 किलोमीटर चल के आए, ना तो किसी वाहन में बैठा, ना किसी में। बाबा जी, नर्मदा मैया की जो परिक्रमा वो पूरी कितनी है, उसका कितना किलोमीटर? ये मतलब पैदल वालों के लिए 3500 किलोमीटर है और वाहन वालों के लिए ये 4800 किलोमीटर है जी। और ज्यादा पैदल में ये शॉर्टकट रास्ता मिलता है, और बस वाहन वाले क्या हाईवे से चलते हैं। अब हमको जैसे शॉर्टकट मिल गया, अब हम हरदा जाते तो हरदा से हंडिया हमको बहुत लंबा हो जाता जी। और ये शॉर्टकट मैया के किनारे किनारे, बाबा जी यही नर्मदा परिक्रमा मार्ग है जी। हाँ, जी जी, किनारे किनारे नर्मदा मैया बिल्कुल पास में ही यहाँ से। हाँ जी जी, है ना। अब ये आप खड़े कहाँ पे, परम श्री गार्डन है ये जी। इसके बाद में ये खोजनपुर आएगा। ये हमारे पास पुस्तक है, इस पुस्तक में पूरा रूट रुका हुआ है। ये बॉम्बे की मैया है, ये मैया ने पैदल परिक्रमा करी और इनने पुस्तक निकाली, गुजरात हर आश्रम आश्रम में ये बांटती है। यहाँ से ये शेरदानी घाट से नीचे जितने भी है ना बाबा जी, पूरे जो इसमें वो पूरा रूट इसमें दिया हुआ है जी। हाँ, तो बाबा जी जो खोजनपुर आने वाला, वहाँ पे एक मढ़िया बनी हुई है जी, जी। अब वहाँ थोड़ी देर विश्राम करिएगा, बहुत अच्छी नीम की मीठी जहाँ छाँव है, नल भी लगा हुआ है। और एक बाबा भी वहाँ रहते हैंगे, मतलब वो तो वैसे रहते हैं, तो वहाँ विश्राम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर डोंगरबाड़ा में राम जानकी मंदिर है, वहाँ पर सदा व्रत मिलता है जी, जी, जी। और मेरे काम आने तो आप नर्मदा जी है ना, जैसे डोंगरबाड़ा जाएंगे ना, वहाँ नीचे घाट से नीचे उतर जाइएगा। हाँ, नीचे उतर जाएंगे, नीचे उतर जाएगा, किनारे किनारे, फिर आप निकलेंगे हसलपुर घाट पे नहीं, वहाँ भी ऊपर एक कुटिया बनी हुई है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है, विश्राम करेंगे आप तो। और वहाँ गाँव में हसलपुर में सदा व्रत, चाय वगैरह सारी व्यवस्था है पटेल के घर पे नहीं। और वहाँ से चलेंगे रंडाल, और रंडाल से 1 किलोमीटर आगे गो आश्रम सातधारा, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है। वहाँ तो परकमवासी बाबाओं के लिए भोजन मिलता है बाबा जी, है ना, बना बनाए जी। आप जहाँ भी जाएंगे आपके लिए हर जगह मैया की कृपा से। मैया ने प्रभु जी कभी भूखा नहीं रखा 4 महीने में, आज तक भोजन की व्यवस्था मैया ने सारी व्यवस्था करके दी जी। हम ना तो भूखे सोए जी, और ना मेरे एक विशेषता यह है कि मैंने आज तक कोई दर्द की गोली नहीं, ना मेरे हाथ पैर दुखे, ना मेरा सिर दुखा, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत आनंद में हूँ जी। बाबा जी नर्मदे हर, थोड़ा आप बिताइए। आओ नर्मदे हर बाबा जी, बाबा जी ज्यादा नहीं बोलते, नर्मदे हर ही बाबा जी आपके लिए तो, है ना। बाबा जी कहाँ से? ये हमारे देवास जिले के, देवास जिले के ही है जी। मैं ब्राह्मण परिवार से, वो भी ब्राह्मण परिवार से हैं जी। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके नहीं, और ऐसे ही बड़े बड़े महात्मा लोगों के दर्शन होते रहते, मुझे तो यही रास्ते में और मेरे द्वारा सभी लोग करते हैं। हाँ जी, मेरे चैनल के माध्यम से घर बैठे सभी लोग करते हैं, और सबको बहुत अच्छा लगता है बाबा जी। जय हो मैया, आपका कल्याण करे, जय जयकार करे, आनंद में रहो जी। पूरा अपना पूरे भारत में मैया की कृपा बनी रहे, पूरे सब किसानी अच्छी रहे, सब लोग अच्छे रहे, सब परिवार अच्छे रहे, आनंद में
मैया सबको आनंद मंगल में रखे, आनंद की लहर करे सब में, अपने मध्य प्रदेश में खूब अन्न पैदा हो और खूब भंडारा हो और खूब आनंद ला। और अपने मध्य प्रदेश से बढ़के तो मेरी नजर में कोई सा राज्य नहीं है साहब जी। बाबा जी, मैं महाराष्ट्र भी घूम के आया, गुजरात भी घूम के आया, पर जो अपना MP है ये भारत का दिल है ये मान के चलो जी। बाकी राजस्थान वगैरह सब दूर घूमा, जो आनंद और जो भाव और जो सेवा अपने MP में मध्य प्रदेश में है वो किसी राज्य में नहीं है। और अपना मध्य प्रदेश किसी राज्य से गरीब भी नहीं है जी। ये भी बात है, धनाढ्य है अपना मध्य प्रदेश जी। हाँ, कोई कमी नहीं है, मैया जिस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मैया बह रही है वहाँ कोई बात की कमी नहीं है। और हाव भाव जो भी है वो मैया का MP में, MP भारत का दिल है ये मान के चलो। अब मेरी नजर में तो मेरे सब दूर घूम फिर के आया, पर जो आनंद अपनी MP में है वो तो MP तो राजा है भारत का मान के चलिए। नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपको दर्शन करके जी। जी तिरासी 19 13 31 9 2 जी 9 2 9 1 9 19 19 1 3 13 हाँ 3 1 31 31 9 2 जी। ठीक है बाबा जी, क्या नाम सुबह आपका? मेरा नाम है प्रहलाद शर्मा, ग्राम भिलाई, तहसील करनौद, जिला देवास, ब्राह्मण परिवार से हूँ जी। और बाबा जी आपको मोबाइल कहाँ घुमा ये बताइए? मेरा सेठानी घाट पे घुमा, जिसने मोबाइल लेगा उसका नाम है अजय केवट। कहाँ रहता है उसने पता बताया? नहीं पता नहीं बताया, वो तो उसने तो नाम बदल के मोबाइल उठा के लेगा, उसने नाम जगदीश बताया, फिर मेरे को शाम को भी एक आदमी ने, सवेरे भी एक भैया ने बताया था वो अजय केवट है। आपका मोबाइल बड़ा है ना? हाँ बड़ा मोबाइल। बाबा जी फिक्र मत कीजिए, मैं उससे संपर्क करूंगा, उसने बंद भले कर रखा है उसको पता करूंगा। मेरे चैनल के माध्यम से अपने शेषनाग घाट पे वो भोजन लेने भी आता है 12 बजे दोपहर में। वो आवारा गिरदी वाले लड़के, वो 4 लड़के थे, मैं नहा के मैया की आरती करने लगा। लेकिन जिसने भी ये गलत काम करा होगा ना उसके लिए खैर हाँ वो नर्मदा मैया के उससे बच नहीं पाएगा। हाँ कोप से नहीं। और सुनो, उसने मेरा आधे घंटे मेरे पास बैठा, पेरे लगे, बाबा मेरे को आशीर्वाद दे, मैं गरीब आदमी, मेरी मैया तेरा कल्याण करे। और फिर मैं नहा धो के क्या है आरती में मग्न हो जाता हूँ तो फिर ध्यान नहीं रहता है। बाबा जी आपको एक पर्सनल नंबर और दीजिए ना, इसमें नहीं तब तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। वो मोबाइल मेरा साइड में पड़ा था, तो मेरे तो बोले यार बाबा मैं बात कर लूं मोबाइल से, तो मैंने कहा भैया कर ले, अब कौन मना करे, जब आधा घंटा बैठा वो साफ सफाई करता है, घाट पे केवट का लड़का है। बाबा जी सब पद मिल जाएगा नर्मदा मैया कृपा से आपका मोबाइल, और आप तक पहुँच भी जाएगा। आपको एक नंबर और दीजिए ताकि मैं कभी आपसे बात कर सकूं। चलो मैं निकालूं नंबर मेरे मोबाइल। तो बाबा जी का मोबाइल किसी ने चुरा लिया सेठानी घाट से? नहीं, अजय केवट नाम है उसका। हाँ बाबा जी, तो अजय केवट जो भी है बाबा का मोबाइल वापस कर दे भैया, क्योंकि कि अपन से अच्छा नहीं बनता है तो बुरा भी ना करो। नहीं नहीं खैर मेरे साथ में दूसरे के साथ में भी ऐसा धोखा, वो धोखा धड़ी सी लेगा प्रभु जी, उनने चूतिया बना दिया मेरे को। अगर उसने मतलब जैसे आप उसको मिला होगा, मिला नहीं, वो तो मेरे से मांग के लेगा ना, लौट के नहीं आया, फिर फोन करने फिर लौट के नहीं आया वो। नहीं आया बाबा, किसी को मत दिया कीजिए ना। ये है ये नंबर है मेरे, ये संपर्क अभी जो होंगे ये छोटा वाला 95 16 95 16 6 8 6 8 70 70 44 44। ठीक है बाबा जी, इस पे मैं आपको बता दूंगा, जैसे आपका मोबाइल मिला मैया कृपा से तो ना, मैं उससे बात करूंगा, वो मोबाइल कभी चालू करेगा। वो घाट पे मिलता है वो जी, और आप भी मोबाइल चालू करिएगा, आप लगाते रहिएगा उसके पास में। नहीं है ना, उसने अब तो सिम निकाल दी प्रभु जी, अब बंद कर लिया ने वो। ठीक है बाबा जी, अपन पता करेंगे कभी चालू करेंगे। तो वो है ना वो शेषनाग जो सेठानी घाट। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर बाबा।